ओडिशा से बड़ी खबर है, जहां पर गंज बसोदा के समाज सेवी ने कोविड सेंटर को दान दी 5 ऑक्सीजन की मशीन। वहीं विधायक की मौजूदगी में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बसोदा को सौंपा मशीन। कोरोना में जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत मिली है। जी हां, आपको एक बार फिर बता दें कि गंज बसोदा के विधायक लीना जैन के नेतृत्व में आज शहर के व्यापारियों ने शहर को कोविड सेंटर में जहां पर 5 ऑक्सीजन मशीन दान की है। शहर में लगातार संक्रमण बढ़ रहा था, जिसको देखते हुए नगर के समाज सेवी को सहयोग करने वाले सामने आए। वहीं विधायक लीना चैन के नेतृत्व में आज गंज बसोदा के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र चंडार को यह ऑक्सीजन मशीन इन समाज सेवियों द्वारा दान की गई। प्राइम के न्यूज चैनल के लिए विदिशा से धर्मेंद्र गुप्ता। सैनिटाइजर मशीन 5 उपलब्ध करवाई है, ये हमें बसोदा के समाज सेवियों के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। आदरणीय श्रीमती इंदिरा जैन जी के द्वारा 2, हमारे अनाज तिलन व्यापारी संघ की तरफ से 2, और हमारी आदरणीय श्रीमती ओमवती गुप्ता जी की तरफ से 1। और आगे भी ऐसी कोई व्यापार महासंघ के साथ रहेगी और काफ़ी और दान करने की। आपने एक और सवाल करा था कि और क्या सामान आपने उपलब्ध कराया, तो मैंने विधायक निधि से जी कम से कम 45 लाख की सामग्री कोविड केयर के लिए उपलब्ध करवाई है। आगे भी आवश्यकता पड़ी तो मैं अपनी विधायक निधि से और भी जो भी आवश्यकता रहेगी वो पूर्ति करेंगे। हम लोग यहाँ पर मरीजों को किसी भी तरीके से कोई परेशानी का सामना नहीं करने देंगे। हमारे कोविड केयर सेंटर में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरत वाले जो लेबर चार्ज रहती है, अभी खाने के लिए उनके लिए लाले पड़ रहे हैं, गरीबों के लिए क्या कहेंगे? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने का राशन मुफ्त उपलब्ध करा दिया है, तो मुझे लगता है कि जनता को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरीके से अगर कहीं भी कोई दिक्कत आई और हमें कहीं से भी ये मिला कि जानकारी मिली कि गरीब परेशान है खाने के लिए, तो हमारे नगर के समाज सेवियों के साथ मिलके हम लोग पहले के भांति सेवा के कार्य में उतर जाएंगे। अभी तो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि समस्या उतनी गहरी नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।